अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भवनाथपुर थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भवनाथपुर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ रामाशंकर श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर सीओ रामाशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि बकरीद पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, सरकार के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और मास्क लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व पर भीड़ भाड़ नहीं लगे, इसका भी लोग ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व में कहीं से अगर कोई अनहोनी की खबर मिले तो उसे तुरंत थाना को सूचित करें। थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो एवं इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार ने कहा कि बकरीद पर्व शांति एवं भाईचारे के साथ मनाएं। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों भाई आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया। अगर किसी प्रकार की अफवाह फैलाई जाती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना को लेकर मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। सभी लोगों को अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। बैठक में PSI सहदेव साव, रामा प्रसाद इंद्रवार, कुंदन कुमार यादव, मानिक राम, अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि दयानंद सोनी, आशु नेता जयराम पासवान, नंदू सेठ, केदार चौबे, राजीव रंजन सिंह, सुनील यादव, सिंदुरिया पंचायत मुखिया राजेश गुप्ता, मानिक चंद पासवान आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।